नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, एसएससी दिल्ली पुलिस सीएपीएफ का एग्जाम पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों 12 जुलाई को प्रस्तावित था इसका एग्जाम, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण हाल ही में लेटेस्ट न्यूज के तहत इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसकी आधिकारिक जानकारी पाने के लिए आप ssc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 1 से 20 जुलाई को होने वाला MTM का फर्स्ट पेपर, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों हाल ही में प्रदेश में कोरोना संक्रमण का रोकथाम लेने का नाम नहीं ले रहा है, इसके तहत सरकार को सख्त सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका एसएससी दिल्ली पुलिस CAPA का सेकंड पेपर, जिसमें टोटल 1567 पदों को मांगा गया है। दोस्तों जिसमें दिल्ली पुलिस के अंतर्गत 169 पद, CRPF के तहत 1072 पद तथा BSF के तहत 247 पदों को मांगा गया है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही SSC दिल्ली पुलिस CAPA का फर्स्ट पेपर में, जिनका रिजल्ट 28 फरवरी को जारी किया गया था, जिसमें 2239 पुरुष तथा 25,962 पुरुष तथा 2239 महिलाओं जो अभ्यर्थी सफल हुए थे, इनका ज्वाइनिंग लेटर आया था। जी हाँ दोस्तों, टोटल 28,201 अभ्यर्थी इस दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ज्वाइनिंग किया गया है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इसका रिजल्ट जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को लिया गया है। इसके बाद ये एग्जाम 1 से 12 जुलाई को होने वाला सेकंड पेपर था, लेकिन इसको भी कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों इसी प्रकार लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। वंदे मातरम।